बड़ी हैरानी हो रही थी। हर वक्त की आवाज उठती थी कि जितने कांवड़ यात्री जाएंगे, जितने समूह जाएंगे, कोई माइक नहीं बजेगा, कोई डीजे नहीं बजेगा, कोई बाजा नहीं बजेगा। तो मैंने कहा वह कांवड़ यात्रा है या सौ यात्रा है। अरे वो कांवड़ यात्रा में बाजे नहीं बजेंगे, डमरू नहीं बजेगा, ढोल नहीं बजेगा, चिमटे नहीं बजेंगे, लोग नाचेंगे गाएंगे नहीं, माइक नहीं बजेंगे, तो फिर वो यात्रा ही आप कांवड़ यात्रा कैसे होगी। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। और मैं इस बात को आदेश दे रहा हूं कि सभी कांवड़ यात्रियों में पता नहीं कौन शिव का अंश बनकर के चल रहा है, ऊपर से पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से कर लिया जाइए। हम इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। 4 करोड़ कांवड़ यात्री थे लेकिन एक तिनका नहीं हिला गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच। ये अनुशासन, आप जब उनके अनुशासन को स्वयं प्रतिबंधित करके उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पत्रों पैदा होगा। मैंने प्रशासन से कहा, सभी प्रदेशों के जो अधिकारी हैं, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरे सामने एक आदेश पारित करिए कि माइक हर जगह के प्रतिबंधित होने चाहिए, हर जगह बैन करो। आप तय करिए कि किसी भी धर्मस्थल में उसकी परमिशन के बाहर उसकी आवाज आनी ही नहीं चाहिए। क्या इसको लागू कर पाएंगे? अगर लागू नहीं कर सकते हैं तो फिर इसको भी हम लागू नहीं होने देंगे। यह अनुरोध चलेगा, यात्रा चलेगी। अगर मैं सड़क पर ईद के दिन नमाज पढ़ने से रोक नहीं लगा सकता तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं थानों में जन्माष्टमी के पर्वों को रोकूं। कोई अधिकार